खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से है, जहां के थाना क्षेत्र सफदरगंज अंतर्गत ग्राम दुर्जनपुर में एक बुद्धा विधवा महिला अलेकुन्निसा, जिसके पति का नाम अली अहमद था, जिनकी मृत्यु लगभग 30 वर्ष पहले हो चुकी है, जिनकी एक पुत्री शहला व दो पुत्र मोइनुद्दीन व कमरुद्दीन हैं। दोनों पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद से ही अपनी बूढ़ी माँ अलेकुन्निसा की देखरेख करने के बजाय उसे प्रताड़ित करने लगे, जिससे परेशान बुजुर्ग महिला अपने दो पुत्रों मोइनुद्दीन व कमरुद्दीन को अपनी मायके की दुर्जनपुर की जमीन न देकर अपनी पुत्री शहला पत्नी यूसुफ को बैनामा व चल अचल संपत्ति वसीयतनामा भी कर दिया और वहीं पर अपना गुजर बसर कर रही है महिला, जिससे दोनों पुत्र मोइनुद्दीन व कमरुद्दीन व पौत्र दीन मोहम्मद पुत्र मोइनुद्दीन आदि द्वारा प्रतिदिन बुजुर्ग विधवा महिला अलेकुन्निसा को मारा पीटा व प्रताड़ित किया जाता है, जिसके संबंध में बुजुर्ग महिला ने क्षेत्रीय थाने से लगाए सभी उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बुजुर्ग महिला की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं। खैर, अब देखना होगा आगे क्या होता है। पीएलएल न्यूज के लिए बाराबंकी से विजय सिंह की रिपोर्ट। दादी कहाँ पर आई हैं? हम यहाँ हैं सिरौली तहसील गोसपुर। क्या समस्या है आपका? समस्या ये है कि हमारी जो है लड़की का, लड़की के हाथ बेच लिए हैं, बैनामा कर लिए हैं अपनी जमीन, लड़की के हाथ बेचे हैं, बैनामा हो गई है, और लड़के हमरे रहे नहीं देते हैं, हमको भी मारत है, हमारे नाती को मारत है, खतरा है, दो नाती हैं, नतनी है, हम हैं, बिटिया है, उसको खतरा है, हमको भी खतरा है, मारी ने हमरे कमर बेकार कर दी, आग बेकार कर दी है, और हमारी जमीन जो है मायके किया है, हमारे माए बाप हमको देंगे, लड़के से कोई वास्ता नहीं है, लड़के नखलाऊ में रहा, एक गांव में रहा था, और सब मिलके हमको मारते हैं, और हम लड़की का मारत है, और लड़के का सद्दाम को डकैती, और सद्दाम महबूब का डकैती में लिखा था, लिखाई में और रहा थे दिल्ली में, जो मरी पिटी है इन्हीं लोग मरी है, और जब मरी है पिटी है तो इन्हीं का नाम लगे। कौन मार पीट रहा है, क्या नाम है आपके लड़कियों के? मोहियुद्दीन कमरुद्दीन दीन मोहम्मद। ये कौन है आपके? हम तो मोहियुद्दीन जो है लड़के हैं, और कमरुद्दीन लड़के हैं, मोहियुद्दीन ओ दीन मोहम्मद पोते हैं, नूरुद्दीन पोते हैं। ये लड़के जो आपके पोते, किसको मार पीट रहे हैं? आपको मार पीट रहे हैं? हमको मारते हैं, पोते भी मारते हैं, और लड़के भी मारते हैं, और नाती निवासन का मारत है, नतनी का मारत है, लड़की का मारत है, और सब तीर में फंसाए रही, और सब तीर में फसावत है। किसको फंसा रहे हैं? नाती का और नतनी का और लड़की का। कौन फंसा रहा है? मोहियुद्दीन कमरुद्दीन दीन मोहम्मद नूरुद्दीन। लड़के दिल्ली में रहते हैं, लड़के जो नाती जो है दिल्ली में रहते हैं, एक साल पे आते हैं तो उनको डकैती। मेरी अम्मी ने नानी से मोल खरीदा है जमीन, उसके वजह से मारते पीटते कहते इस जमीन में हम कब लेंगे। आपकी नानी कौन है बताओ, हाथ हाथ बताओ। नानी ये है, ये नानी है जी। अच्छा, आपकी मम्मी कौन है? वो है, उनको मारते हमने जिला अस्पताल से मेडिकल भी कराया, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। हमारे भाई दिल्ली में रहते हैं, उनको कहते हैं कि हम फंसा देंगे या 76 में लिखा देंगे या गुंडा में या उसमें चोरी डकैती में हम लिखवा देंगे। कौन कह रहा है? मोहियुद्दीन कमरुद्दीन दीन मोहम्मद ये कह रहे हैं आपके भाई को फंसाने की बात। हाँ, मेरे भाई, हमने पहले से सूचना 5 तारीख को दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है जी? ने उल्टे बोलती, तुम्हारे भाई के नाम मुकदमा लिख देंगे, ये जो दुवाल तुरा है नानी, इनके भी मुकदमा लिख देंगे। तो हमारी कहीं से कोई भी सुनवाई नहीं, हमने बड़े अधिकारी को दिया है। जमीला और कमरुद्दीन और मोहियुद्दीन, उनका सामान हमारे घर से निकाला जाए, घर खाली कर दिया जाए, जबरदस्ती रहते हैं, हमारा सामान घर से फेंक देते हैं,
हमको भी मारते बहुत हैं और घर में नहीं रहे देते। हमको बहुत बड़ी तकलीफ दी है, हमसे उनसे कोई वास्ता मतलब नहीं। हमारे पास लड़की रहती है, लड़की हमारी खिदमत करती है, हमारा बूट कपड़ा लत्ता खाना खर्चा सब पूरा करती है, उसी के पास हम रहते हैं। वो जो जमीन है घर है तो हम लड़की का मतलब वसीयत कराए दी, और हम जब तक जिंदा हैं तो हमारा है, और हमारे मरने के बाद हमारी लड़की का। लड़की के क्या नाम है दादी? लड़की का सहीला नाम है। इस समय आपके साथ में है नहीं है? हाथ उठाकर बताओ। ये है साथ में। अच्छा, ये लड़की है? हाँ। इधर साइड में जो खड़ी है कौन? ये है नातिन है। इसका क्या नाम है? हसरतुल।